Hi everyone, welcome again to my English grammar class. I am Nihar Ranjan Nanda. आज हम कैसे एक सिंगुलर नाउन को प्लूरल नाउन में बदलते हैं वो दिखेंगे. पहले देखें नंबर क्या होता है. There are two numbers in English. तो इंग्लिश में दो ठे नंबर होता है, पहला सिंगुलर नंबर और दूसरा प्लूरल नंबर. तो सिंगुलर नंबर किसको कहते हैं? ए नाउन दैट डिनोट्स वन पर्सन और थिंग्स. तो सिंगुलर नंबर एक ऐसा नाउन है जो कि एक ही आदमी और एक ही चीज़ को डिनोट करता है, रेफर करता है. ठीक है, जैसे कि बुक, पेन, बार, काओ, ये सारे सिंगुलर नंबर है. ठीक है, लेकिन प्लूरल नंबर क्या होता है? ए नाउन दैट डिनोट्स मोर देन वन पर्सन और थिंग्स. तो वही नाउन जो कि एक से ज़्यादा आदमी या चीज़ों को दिखाता है उसको हम प्लूरल नंबर कहते हैं. मतलब एक हुआ तो सिंगुलर, एक से ज़्यादा हो गया तो प्लूरल. ठीक है, अभी देखते प्लूरल कैसे फॉर्मेशन करते हैं, सिंगुलर से प्लूरल कैसे बनाएंगे. तो पहला जो रूल होता है वो क्या है? द प्लूरल ऑफ नाउन इज जनरली फॉर्म बाय एडिंग एस टू द सिंगुलर. हम जनरली नाउन में, सिंगुलर नाउन में एस ऐड करके, एस जोड़ के हम उसको प्लूरल में, जैसे कि एग्जांपल देखो, बॉय बॉयज, गर्ल गर्ल्स, ट्री ट्रीज, टेबल टेबल्स, काओ काउच. ठीक है, और दूसरा रूल क्या है देखो, फॉर वर्ड्स दैट एंड्स विथ एस, एस एच सी एच एक्स, यूज ईएस टू मेक द प्लूरल फॉर्म ऑफ इट. तो ही सब जो कि एस में, एस एच में, सी एच में और एक्स में ख़त्म होता है उसको प्लूरल करने के लिए हम क्या ऐड करेंगे? ई एस ऐड करेंगे. ठीक है, जैसे कि एग्जांपल ग्लास, तो एस में ख़त्म हुआ जी एल एस एस, एस लास्ट में एस रहा तो इधर एस में ख़त्म हुआ, इसलिए ई एस ऐड करके उसको प्लूरल किया गया. इस तरह ब्रांच ब्रांचेस, ये सी एच में ख़त्म हुआ. ठीक है, इसलिए इसको प्लूरल करने के लिए ई एस ऐड किया गया. ठीक है, तो ये ब्रांचेस हो गया. इस तरह बॉक्स बक्सेस, तो एक्स में ए एंड होता है तो एक्स, इसलिए इसको प्लूरल करने के लिए ई एस ऐड किया गया. उस तरह मैच मैचेस हो गया, बेंच बेंचेस. ठीक है, और नेक्स्ट रूल जो है वो क्या है? फॉर वर्ड दैट एंड्स विथ वाई वी हैव टू फॉलो टू रूल्स. तो जो वर्ड वाई में अंत होती है तो उस तरह वर्ड को प्लूरल बनाने के लिए हमको दो ठो वे को फॉलो करना पड़ता है. तो पहला क्या है? इफ द लेटर बिफोर वाई इज ए वाउल देन सिंपली ऐड एस एट द एंड टू मेक इट टू द प्लूरल फॉर्म. यदि जो शब्द वाई में एंड होती है और उसके पहले, और उससे पहले एक भावेल होता है तो हम सिर्फ एस ऐड करके उसको प्लूरल करेंगे. जैसे बॉय, तो वाई का पहला वाला जो लेटर वो क्या है? ओ है. ठीक है, वो एक भावेल है इसलिए सिर्फ एस ऐड करेंगे तो बॉय बॉयस हो गया. मंकी, वाई का पहला वाला क्या है ना? ई है. ठीक है, तो सिर्फ एस ऐड करेंगे क्योंकि वाई से पहले जो वर्ड आता है वो क्या आता है? भावेल आता है. यदि भावेल आएगा तो हम सिर्फ एस ऐड करेंगे. उस तरह भैली भैलीज, भी एल एल ई वाई ई वाई, मतलब वाई के पहले जो वर्ड्स जो लेटर है वो क्या है? ई है. ठीक है, वाई के पहले ई आया है इसलिए सिर्फ एस ऐड करके उसको हम प्लूरल करेंगे. उस तरह डे डेज. ठीक है, तो ये वाई के पहले जब भावेल आता था तो हम सिर्फ एस ऐड करके उसको हम प्लूरल करते थे. अभी इफ द लेटर बिफोर वाई इज नॉट ए भावेल देन रिमूव वाई एंड ऐड आई एस एट द एंड टू मेक इट टू द प्लूरल फॉर्म. यदि वाई से पहले भावेल नहीं होगा, यानी कोई कंसोनेंट लेटर होगा, तो हम वाई के जगह आई ई एस ऐड करके जोड़ के, आई एस जोड़ के उसको हम प्लूरल करेंगे. जिसके एग्जांपल सिटी, तो सिटी जो कहा गया इधर, सिटी वाई में अंत हुआ सी आई टी वाई, वाई का जो पहला वाला लेटर क्या है ना? टी है. ठीक है,
तो टी क्या है, कंसोनेंट साउंड है, इसलिए उसको हम प्लूरल करेंगे, वाई के जगह आई ई एस ऐड कर देंगे, तो सिटी सिटीज, वाई के जगह आई एस ऐड हो गया। उस तरह स्टोरी, तो वाई से पहले जो लेटर है वो क्या है, आर, ठीक है, आर ए कंसोनेंट है, इसलिए वाई के जगह आई एस जोड़ के हम उसको प्लूरल करेंगे, तो एस टी ओ आर आई ई एस स्टोरीज, वाई के जगह आई एस का इस्तेमाल हुआ। उस तरह लेडी लेडीज, बेबी बेबीज, कंट्री कंट्रीज। ओके, नेक्स्ट रूल जो है वो क्या है, फॉर वर्ड्स दैट एंड्स विथ एफ यूज वी ई एस इंस्टेड टू मेक द प्लूरल फॉर्म ऑफ इट। तो जो वर्ड एफ में अंत होती है उसको प्लूरल करने के लिए एफ की जगह वी एस ऐड करते हैं। लिप लिप्स, एल ई एफ, एफ में अंत हुआ तो एफ के जगह वी एस ऐड करके उसको हम प्लूरल किया, तो लिप्स, थीफ थीफ्स, वाइफ वाइफ्स, नाइफ नाइफ्स, सेल्फ सेल्फ्स। ठीक है, जो एफ और एफ ई में एंड होता है उसको प्लूरल करने के लिए एफ और एफ ई के जगह हम वी एस ऐड करके उसको प्लूरल करते हैं। ठीक है, लेकिन बट सम वर्ड डू नॉट फॉलो एनी ऑफ द अबव रूल, लेकिन ऐसे कुछ वर्ड्स होते हैं जो कि कोई भी रूल फॉलो नहीं करते। ठीक है, रूल ब्रेकिंग वर्ड्स जो है, ऑक्स ऑक्सन, चाइल्ड चिल्ड्रेन, माउस माइस, ओमेन ओमेन, टूथ टीथ। तो इधर जो रूल वो डिफरेंट होता है, वो कोई भी रूल का नहीं, उसका सिंगुलर अलग होता है और प्लूरल भी अलग होता है। ठीक है, वह देखेंगे, बट सम नाउन्स आर यूज्ड ओनली एज प्लूरल्स, लेकिन कुछ नाउन है वो हर वक्त प्लूरल में इस्तेमाल होता है, यानी उसका सिंगुलर फॉर्म ही नहीं है। ठीक है, वो हर वक्त प्लूरल जैसा ही इस्तेमाल होता है, सीजर्स, बिलोज, पैंट्स, स्पेक्टेकल्स, ट्राउजर्स। ठीक है, तो ये सारे प्लूरल्स है, उनका सिंगुलर फॉर्म नहीं है, वो हर वक्त प्लूरल जैसा ही इस्तेमाल होते हैं। ठीक है, थैंक यू।